खबर कटनी से है, जहां 22 वर्षीय युवक की अज्ञात लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गए। खून से लथपथ शव ईंट भट्टा क्षेत्र में पड़ा मिला है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस की डॉग स्क्वाड टीम आरोपी की तलाश कर रही है। हत्या में शामिल 2 से 3 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आक्रोशित भीड़ ने घटनास्थल पर जाम लगा दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़का मेरा बनी मजदूरी जो भी है, जब भी लगता रहा तो करता रहा। और ये मेरे बच्चे की हत्या समझ में आ रही थी, लड़की बाजी के चक्कर में हुई है। कल शाम को 6 बजे करीब घर से निकला तो घर वापस नहीं आया, और 8 से 9 के बीच ही अजीब डुमार करके एक लड़का है, वो बताया कि तुम्हारा लड़का खेर माई की तरफ गया है। खेर माई की तरफ गया, फिर वहाँ से दोबारा वो लौटा नहीं। और हो सकता है कि जिनकी लड़की थी उन्हीं लोगों ने मिलकर मेरे लड़के को मार दिया। फिर पहुँच के देखा गया तो के पेट में धारदार हथियार से चोट पहुँचाना पाया गया है, जिसको देख के प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण होना पाया गया। तो हमारी पुलिस जो है में लगी हुई है, डॉग स्क्वाड साइबर टीम सभी की मदद ली जा रही है। सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए योजना की जा रही है, और हम प्रयास में हैं कि शीघ्र से शीघ्र जो अपराधी हैं उनको